जी बेटा नेक्स्ट अगर हम एमसीक्यूज देखें एक और इसी से रिलेटेड, इफ 2a यहाँ पे हम स्केलर प्रोडक्ट से देखेंगे प्लस 3, 4, 5 एंड 6 इज इक्वल टू -1, -1 4 एंड 3, देन a इज इक्वल टू, हमने a की वैल्यू निकाल दी है बेटा, हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे 2, 4, -3 and 4.5, बी हमारे पास ऑप्शन है -2, 0, -3, 4.5, सी हमारे पास ऑप्शन है -2, 0, 3 and -1.5, और डेल्टा हमारे पास ऑप्शन है -2, -3, 0 and 1.5। अगर हम बेटा बात करें इसकी a की वैल्यू निकालने की, तो अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे लेंथी वे में चले जाते हैं, a का एक सेट जनरल पुट करते हैं, फिर उसको सोल्व करके वैल्यूज निकालते हैं। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हम इसको यहाँ पे ला के माइनस कर दें इस सेट से, और जो आंसर है उसको 2 पे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे इसको उधर ले के जाके, तो हम देखते हैं क्या बनता है। जैसे -1, -3 हो जाएगा, 4, -4 हो जाएगा, और हमारे पास -1, -5 हो जाएगा, और हमारे पास हो जाएगा 3, -6। और इसको हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ये बन जाएगा -4, 0, -6 और ये आ जाएगा -3। जब हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं सबको, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो यहाँ पे -2, 0, -3 और -1.5। अगर हम ये आंसर देखें तो हमारा चार्ली आंसर बनता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है। जी फाइंड द रैंक रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8 and 9। उसने क्या इसका रैंक बताया क्या है, ऑप्शन उसने हमें दे दिए हैं, ए जो है वो 0 है, जो बी है हमारे पास वो 1 है, जो सी है वो 2 है, और जो डी है वो हमारे पास क्या है 3 है। तो हम सबसे पहले इसको ज़रा एचिलॉन फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। जब हम इसे एचिलॉन फॉर्म में लाएंगे, हम सबसे पहले इसके इंटरचेंज करते हैं फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ। जब हम इंटरचेंज करते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं -4, यहाँ पे हमारे पास एक टैक्टिस है, जो हम क्या करते हैं R2 प्लस -4R1। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम R3 को करेंगे प्लस किससे, -7 into R1, तो हमारे पास कुछ इस तरह का मैट्रिक्स बन जाएगा। ये 1, 2, 3 वैसे का वैसे ही, ये बन जाएगा 4, -4 ये 0 हो जाएगा, 5 और -6 यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 4, 2, 6 और +1 यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा 3, 4, 12 और 12, -6 यहाँ पे -6 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और 3, 2, 21 ये -11 हो जाएगा, क्लियर है। अगर हम बात देखें अब इसमें जो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं,
वो यहाँ पे टू हमारे पास जो है वो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें आर टू माइनस फोर आर वन तो क्या बनता है, यहाँ पे फोर प्लस माइनस फोर, आगे आ जाएगा फाइव प्लस माइनस एट, और थर्ड हमारे पास आ जाएगा सिक्स प्लस माइनस ट्वेल्व आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अब अगर हम इसकी सेकंड की बात करें तो सेवन प्लस माइनस सेवन और एट प्लस माइनस फोर्टीन, और इसी तरह जो है नाइन प्लस क्या आ जाएगा माइनस ट्वेंटी वन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसका आंसर देखें तो ये अब बन जाएगा हमारे पास जो मैट्रिक्स नया तैयार होगा वो क्या होगा, ये वन टू एंड थ्री, ये आ जाएगा ज़ीरो माइनस थ्री और माइनस सिक्स, ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस सिक्स और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ट्वेल्व। अब अगर हम बेटा देखें, अगर इसको हम सेकंड जो रो है हमारे पास इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें टू से, तो ये टू ज़ीरो ज़ार टू ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो माइनस सिक्स, और ये भी तीसरा जो हिंसा है वो क्या बन जाएगा माइनस ट्वेल्व, नज़र आ रहे माइनस ट्वेल्व, ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस ट्वेल्व। तो ये टू से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सेकंड और थर्ड रो क्या हो जाएगी सेम, जब हम सेकंड को थर्ड रो से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ दो रोज रह जाएंगी जो नॉन कॉमन होंगी, जो नॉन ज़ीरो होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रैंक बनेगा वो क्या बनेगा सेकंड बनेगा, क्योंकि रैंक क्या होता है आफ्टर प्रोड्यूसिंग एचिलॉन फॉर्म द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इज़ कॉल्ड रैंक। तो यहाँ पर रैंक क्या आ गया बेटा टू आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हमने मैट्रिक्स की जो है वो थ्री बाई थ्री की मल्टीप्लिकेशन की पढ़ी हुई हैं, हम वो यूज़ करते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं चैप्टर नंबर थर्ड में। हमारे पास दिया गया है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और टू, वन प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे आ जाएगा टू। उसने क्या इसका डिटर्मिनेंट बताएं, आंसर उसने दे दिया है ज़ीरो वन टू और डेल्टा उसने फोर दे दिया। तो बेटा अगर हम बात करें इनको सम कर दें, वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा, अगर हम कॉलम वन और कॉलम टू को आपस में क्या कर देते हैं सम, तो फर्स्ट जो कॉलम हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो। तो इसका मतलब अगर एक कॉलम हमारा ज़ीरो आ गया है तो इसका मतलब उसका पूरे का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा बेटा ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा ज़ीरो। अगर हम नेक्स्ट एक और है इसी तरह के एम सी क्यूज़ की बात करते हैं, लिखा हुआ है एक्स वाई जी एल एम एन पी क्यू और आर, उसने कहा अगर इसका जो आपको डिटर्मिनेंट है वो ए है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक्स वाई जी एल एम एन पी के वो आर है, इसमें क्या है एक्स एल पी और एक्स वाई, यानी कि हमने कॉरेस्पॉन्डिंग जो रोज़ और कॉलम्स हैं उनको इंटरचेंज किया। जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग रोज़ और कॉलम्स को बेटा इंटरचेंज करते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब इसके जो ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं वो हैं टू ए बी माइनस ए सी ए स्क्वायर और डी क्या है ए, तो इसका डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें एम सी क्यूज़ की तो वो भी प्रॉपर्टीज से ही रिलेटेड है, इफ़ एक्स वाई जी एंड डब्ल्यू
इज इक्वल टू बी, देन जी डब्ल्यू एंड एक्स वाई। तो जी डब्ल्यू और एक्स वाई क्या होगा, किसके इक्वल होगा? तो बेटा हमने पढ़ा हुआ है, इसका ऑप्शंस हैं ज़ीरो, बी ऑप्शन है इसका बी स्केयर, सी ऑप्शन है इसका माइनस बी, और डी ऑप्शन है इसका नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन इसका क्या है? नन ऑफ दीज। अगर हम देखें तो हमने क्या किया है, ये दो रोज़ हैं, इनको हमने इंटरचेंज कर दिया, इनको हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। और जब भी हम दो रोज़ या दो कॉलम्स किसी एक को हम पकड़ के इंटरचेंज करते हैं, तो जो डिटर्मिनेंट का आंसर होता है उसका डिटर्मिनेंट नेगेटिव में आ जाता है, यानी कि माइनस बी इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद एक और हमारे पास एमसीक्यूज है इसी तरह का, एओटा एओटा एंड एओटा, एओटा क्यूब एओटा क्यूब एंड एओटा क्यूब, वन टू एंड थ्री। उसने कहा इसका आंसर क्या होगा, ए हमारे पास आ रहा है ज़ीरो, बी हमारे पास ऑप्शन क्या है वन, सी हमारे पास है एओटा, और डी है एओटा क्यूब। तो अगर मैं इसमें से एओटा स्केयर कॉमन ले लूँ, एओटा स्केयर, तो इसका मतलब ये भी एओटा एओटा एओटा, इसमें एओटा स्केयर निकल जाएगा, तो ये भी एओटा एओटा एओटा। और जब भी ऐसा हो जाए कि दो सेम रोज़ जो हैं या दो सेम कॉलम जो हैं वो सेम आ जाएं, तो उसका डिटर्मिनेंट भी बेटा किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है बेटा, ज़ीरो के इक्वल होता है। जी अब उसने कहा इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए, ए का डिटर्मिनेंट क्या है, ए के इक्वल है इज़ द स्केयर मैट्रिक्स, अगर ये क्या है स्केयर मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडेक्स, ऑर्डर ऑफ इंडेक्स इज थ्री, जो इसका ऑर्डर ऑफ इंडेक्स है वो क्या है, थ्री है, देन टू ए, देन टू ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा। तो बेटा इसकी एक प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर जो है उसका हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं और उसकी डिटर्मिनेंट की पावर है, तो हम उसका जो k की पावर है वो बाहर आ जाएगी और a का डिटर्मिनेंट एज इट इज़ रहेगा। तो हम यहाँ पे देखें, ये जो n है यहाँ पे, इसको हम ऑर्डर ऑफ या इंडेक्स ऑफ ऑर्डर भी कहते हैं, इंडेक्स ऑफ ऑर्डर भी कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें k की वैल्यू या यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसके ऑप्शंस हैं हमारे पास 8a, बी ऑप्शन है 4a, सी ऑप्शन है हमारे पास 2a, और डी है a का स्केयर। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे 2 का इंडेक्स वो बता रहा है 3 है, तो 2 का इंडेक्स क्या होगा 3, आंसर 8 आएगा, और उसका डिटर्मिनेंट क्या है a, तो इसका मतलब 8a इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो 8a पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। बेटा सारी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हैं जो कि मैट्रिक्स की क्या हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें से एमसीक्यूज़ बनता है, तो ये काइंडली आप गौर से देखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास उसमें क्या जी, इसका डिटर्मिनेंट बताएं ये किसके इक्वल है। बेटा मैंने आपसे बताया था कि जब भी एक मैट्रिक्स ट्रायंगुलर होगा, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर हो, यहाँ पे तो ये अपर है, तो हम क्या करेंगे उसके डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे उस ट्रायंगुलर का, उसके तमाम के तमाम जो हैं डायगनल एंट्रीज उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है खाली एल एल स्केयर
एल क्यूब और डी है हमारे पास एल की पावर 4, तो इसका मतलब एल की पावर 4 इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। जी इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि ए बी बराबर होता है ए के और बी के डिटर्मिनेंट, यानी कि ए बी के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट बराबर होता है ए का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट और उसका प्रोडक्ट होता है, क्लियर है। तो अगर हम देखें कि इफ़ ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो 100 है और ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 25 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास ऑप्शन है 25, बी हमारे पास ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 75 और डी ऑप्शन है 4। तो अगर मैं उस फार्मूले में देखूं तो 100 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये 25 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 4। इसका मतलब इसका आंसर एक्यूरेट जो आंसर है वो क्या है, 4 है। जी नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन एमसीक्यूज है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 एंड ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा खा ले, उसने कहा फाइंड ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, आपने क्या करना है फाइंड करना है। अगर आपको ये ए दिया गया हुआ है तो ए स्केयर का डिटर्मिनेंट, तो हमने ऑप्शन क्या दी हुई है, 1 माइनस 1 0 डी जो है वो ओमेगा दिया हुआ है। तो बेटा आपको एक बात हमने फर्स्ट ईयर क्लास में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी हुई है कि अगर हम बात करें किसी भी डिटर्मिनेंट की पावर, किसी भी मैट्रिक्स की पावर का डिटर्मिनेंट वो बराबर होता है उस डिटर्मिनेंट की पावर के, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट हम लेते हैं पहले, ये क्या आएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, यानी आंसर क्या आएगा 0। तो 0 का अगर स्केल लें तो वो भी क्या आएगा 0, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 40 ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है बेटा। बेटा इसके बाद मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे दूं, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स, ये आपके नेक्स्ट यूज़ होंगे आपका कॉन्सेप्ट, आपकी रो और कॉलम ऑपरेशन करिए। जी एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन इन अ मैट्रिक्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेटा हम कॉलम और रो पे चाहे वो स्क्वायर है चाहे वो रेक्टेंगुलर कह रहा हूँ, जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका जो ऑर्डर है वो 2x2 है या 3x3 है, उस पर हम ऑपरेशन क्या अप्लाई कर सकते हैं कि कोई सी भी रो है उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं कोई सी भी दूसरी रो के, यानी कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आर एक आई कह देता हूँ और एक आर ये कह देता हूँ, तो इसको हम ये जो साइन है ये शो करता है कि हम इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है कि हम किसी भी रो को हम एक स्केलर नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और थर्ड जो हमारे पास इसका ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं कि हम किसी स्केलर को किसी भी रो से मल्टीप्लाई करके उसको किसी दूसरी रो के अंदर क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, और सेम ही प्रोसीजर जो है वो क्या है कॉलम्स के लिए, कि हम किसी भी कॉलम को किसी भी दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी स्केलर को हम क्या कर सकते हैं किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और थर्ड जो हमारे पास किसी भी हम कॉलम को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। ये ऑपरेशन बेटा यूज़ होता है रो एंड कॉलम ऑपरेशन में, एक्सरसाइज नंबर 3.3 में ये आई थिंक सो ऑपरेशन ऑपरेट होता है, तो काइंडली ये गौर से देख लें और इसको तैयार कर लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये बेटा लास्ट टॉपिक था,
हमारे एमसीक्यूज से रिलेटेड इसके अंदर जो जो एमसीक्यूज थे वो आपने घर में प्रैक्टिस भी करनी है, आपको सर नोट जो है वो सेंड कर देंगे। इसके अलावा बेटा आपका जो लास्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस का, उसके बारे में हम स्टडी कल करेंगे, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम उसका लेक्चर रिकॉर्ड करवाएंगे आपको। तब के लिए अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।